अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर बेगम मज़ार से। बेगम मज़ार में हमारी मारवाड़ी बहनों ने आज सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। इसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। रुसिका सोलंकी, जो कि बेगम मज़ार में रहने वाली एक लड़की थी, उनकी शादी हुई थी 2016 को। अमरचंद सोलंकी के साथ इनकी शादी हुई थी। बाद शादी के इनकी बेटी को मारकर टंगा दिया था, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दहेज की खातिर लड़की को मारकर टंगा दिया। टंगाने के बाद आध घंटे के बाद इनके घर वालों को इत्तला की, फिर इनके घर वाले वहाँ पर पहुँचे, लेकिन अब तक इनको इंसाफ नहीं मिला। ये इंसाफ की मांग करते हुए आज रोडों पे उतर गए। यूँ तो हमारी बीजेपी की हुकूमत मुस्लिम बहनों के लिए हमेशा इंसाफ की बात करती है और इंसाफ दिलाती है, हमारी हिंदू बहनों को नज़रअंदाज क्यों करती है बीजेपी की हुकूमत? इस तरह के वारदात होते हैं, दहेज के नाम पर कई खतले हो जाते हैं हमारे हिंदू बहनों के। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। आइए देखते हैं ये खास खबर। अत्याचार हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा उठाए हैं और हम सबकी यही राय है कि उसको न्याय मिले, किसी भी तरह न्याय मिले। और समाज में ऐसा सभी समाज मारवाड़ी समाज में कभी ऐसा कोई कांड ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया है और इसके लिए हमें सभी लोगों का साथ चाहिए। इसमें आप लोगों को सहयोग देना है। सारे मारवाड़ी बंधुओं से ये निवेदन है कि वो लोग इसमें सहयोग करें और दोबारा ऐसा कार्य ना हो और इसे जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे और ऐसा काम हो ना दोबारा, दूसरी बार कोई ऐसा काम ना हो और रुचिका को पूर्ण न्याय मिले। अमरचंद सोलंकी और रामी देवी सोलंकी, क्या करते हैं ये तीनों? मेरे बच्चे को बहुत मार रहे हैं। बिजनेस स्वीट हाउस कहाँ पर? शादियों के 350 बच्चे वगैरह हैं। हाँ, 2.5 साल का बच्चा है। 2.5 साल का ऐसा होने का हाँ रीजन क्या है? पैसा देश देश पैसे मांगते थे और बच्चे को मारते थे। अच्छा, कितने बार तो भी मारे बच्चे को? कितनी दफे बच्ची मार खा खा के घर पे माँ के नहीं आती थी, माँ समझा के वापस ले जाती थी उसको। लेकिन बच्चे को नानी के घर पे भी नहीं भी जाते थे, बच्चों के लिए वापस जाती थी। इधर अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? इतने सारे हम उनको कड़ी सजा मिले ताकि ऐसा काम मारवाड़ी समाज में कभी भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ करे वो उनके साथ भी होना चाहिए। मेरे बच्चे को फांसी देके मारे तो उनको भी फांसी होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट करे आप? जी हाँ करे। क्या बोले पुलिस? जड़ी मेटला में करे जी। क्या बोले पुलिस? पुलिस वाले क्या बोले? अपना काम करे, अपना काम कर रहे। पुलिस क्या करेगी? जैसे वो उसको रुचिका को मारा गया उसी तरह उनके वो जो हत्यारे उनको मारा जाए, यही सबसे बड़ा न्याय होगा। उनको महसूस होता है कि हत्या किस तरह से की जाती है और उनको कैसा महसूस होता है? किसी को कितना दर्द होता है मारते वक्त? कितनी मार खाने के बाद में भी कितना दर्द होता है? एक मारवाड़ी समाज जो है शाकाहारी माना जाता, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल ये कर दिए। ये कसाईयों का काम है, जो कसाई का काम करते हैं लोग। और 8 घंटे तक लड़की को मार करके पंखे पे लटकाने के बाद 8 घंटे तक उसके माता पिता को भी सूचना नहीं दी गई। रात को 8 बजे के बाद 8 घंटे तक भी उसके पेरेंट्स को कोई खबर नहीं है। ऐसा भी कोई जल्लाद होते?
बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और न्याय मिलना चाहिए रुचिका को। और ऐसा हादसा कभी भी किसी भी बहन बेटियों के साथ ना हो, पोता पोती के साथ भी नहीं होना चाहिए कभी भी। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा चीज है ये। अध्यक्ष हूँ, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थानी समाज हमारा संस्कृति समाज माना जाता है, इसमें ऐसी घटना होना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना, बल्कि सब महिलाएं हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पर और आगे भी हम KCR जी से विनती करते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए और ऐसी पुनरावृत्ति हमारे समाज में न हो, इसके लिए उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं, नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर, जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891